अग्नि कैसा और क्यों प्रार्थना करने के योग्य है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। अग्ने दब्धायो इत्यस्य ऋषिः स एव अग्नि सरस्वत्यौ देवते भूरिब्राह्मी त्रिष्टुप छन्दः दैवतः स्वरः। ॐ अग्ने दब्धायो शीतम पाहि मा दिद्योः पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्टयै पाहि दुरद्मन्या आविषं नः पितुं कृणु शूषदा यो नौ स्वाहा वाडग्नै संवेशपतै स्वाहा सरस्वत्यै यशो भगन्यै स्वाहा। हे निर्विघ्न आयु देने वाले जगदीश्वर, आप चराचर संसार में व्यापक यज्ञ को दुष्ट मनुष्यों और वेद विरुद्ध यज्ञ से रक्षा कीजिए, मुझे अति दुख से बचाइए और भारी भारी बंधनों से अलग रखिए, जो दुष्ट भोजन करना है उस विपत्ति से बचाइए, हमारे लिए विष आदि दोष रहित अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न कीजिए, हम लोगों को सुख से स्थिरता को देने वाले घर में स्थिर कीजिए, जिससे हम लोग सत्य वचन आदि उत्तम कर्मों की सेवन करने वाली वेद वाणी के लिए धन्यवाद और नमस्कार करते हैं। हे भगवन जगदीश्वर, आपने जो यह निर्विघ्न आयु का निमित्त भौतिक अग्नि बनाया है, वह भी सर्वत्र व्यापक यज्ञ को दुष्ट यज्ञ से रक्षा करता है और मुझे अति दुखों से बचाता है, बड़े बड़े दारिद्र्य के बंधनों से बचाता है और दुष्ट भोजन कराने वाली क्रियाओं से बचाता है और हमारे अन्न आदि पदार्थ विष आदि दोष रहित कर देता है, वह सुख से स्थिति देने वाले घर और दूसरे जन्मों में वेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होने वाली क्रियाओं का हेतु है। हम लोग उस पृथ्वी आदि लोकों के पालने वाले भौतिक अग्नि को ग्रहण करके हवन और उसके साथ दिव्य गुण वाली वेद वाणी की प्राप्ति के लिए परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। मनुष्यों को जो सर्वव्यापक सब प्रकार से रक्षा करने, उत्तम ज्ञान देने, उत्तम कर्म कराने और उत्तम विद्या और उत्तम भोग देने वाला जगदीश्वर है, उसी का सेवन सदा करना योग्य है और जो यह अपनी सृष्टि में परमेश्वर ने भौतिक अग्नि प्रत्यक्ष सूर्य लोक और बिजली रूप से प्रकाशित किया है, वह भी अच्छी प्रकार विद्या से उपकार लेने में संयुक्त किया हुआ सब प्रकार से रक्षा और उत्तम भोग का हेतु होता है, जिसकी कीर्ति के निमित्त सत्य लक्षण युक्त वेदवाणी से उत्तम जन्म और सब पदार्थों से अच्छी अच्छी विद्या प्रकाशित होती है, वे सब विद्वानों के स्वीकार करने योग्य और औरों को भी स्वीकार कराने योग्य हैं। इस मंत्र में नमा और यज्ञ ये दोनों पद पूर्व मंत्र से लिए हैं। सो जगदीश्वर कैसा है, सो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।